नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी बार। इस वीडियो हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी भर्ती निकली हुई है उसमें कंप्यूटर की क्लासेस हमारी चल रही थी, तो उसमें हमारी आज सिक्स क्लास है। तो इसमें देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अप टू डेट रहिए आने वाले सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स निकाली गई है। आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पुराने पेपर हुए थे उन सारे पेपर्स का मतलब एक साथ कलेक्शन करके 10 पेपर सेट बनाया गया है। तो उसमें देखेंगे तो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही हैं जो आप देख सकते हैं किस टाइप के पेपर्स पहले आए हैं, तो उस हिसाब से आपको तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये कंप्यूटर का पोर्शन आपके आने वाला है 10 नंबर का, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 10 में से 10 लाने हैं। सारे क्वेश्चन इन बुक्स के अंदर से ही आने वाले हैं क्योंकि 2 द सिलेबस ये बुक्स निकाली गई हैं। और जो प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2000+ MCQs का इसमें कलेक्शन भी है। तो इन तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, मतलब कंप्यूटर में सबसे प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है। तो आप देखेंगे तो सब कंप्यूटर हम खरीदते हैं तो सबसे पहले मॉनिटर CPU ये सब आता है, तो मॉनिटर एक तरह से प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। इसमें जैसे प्रिंटर भी दिया है ये भी आउटपुट डिवाइस है, बट इसमें प्राइमरी पूछा है तो इसमें हमारा वीडियो मॉनिटर हो जाएगा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। और ए डायरेक्टरी विथ इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड, मतलब इसे फोल्डर होता है उसके अंदर एक और कोई सब फोल्डर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सब फोल्डर। जैसे डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है तो उसको क्या बोलेंगे सब डायरेक्टरी। तो चलते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इन विंडोज़ XP विच शॉर्टकट इज़ यूज टू साइकिल थ्रू, मतलब 2-3 आपके पास ओपन डॉक्यूमेंट है तो उन दोनों तीनों के बीच में स्विच करना है, इस डॉक्यूमेंट से इसमें जाना है, इससे फिर इसमें जाना है, तो कौन सा विंडो का शॉर्टकट है जिससे हम फटाफट जा सकते हैं। तो Alt+Escape से हम इसमें फटाफट जा सकते हैं। जैसे Alt+Escape दबाएंगे तो आपकी विंडो पे ये खुल जाएगा, फिर दबाएंगे ये खुल जाएगा, फिर वापस ये खुल जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। स्टोर डाटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन इंटैक्ट इवन द, मतलब एक बार हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें तो भी डाटा हमेशा स्टोर रहता है, किस में रहता है रैम। रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जैसे आप इसको स्विच ऑफ करेंगे इसमें से सब डाटा खत्म हो जाता है। और मदरबोर्ड, मदरबोर्ड एक तरह से हार्डवेयर है जिन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के रखता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब जैसे कोई पेन ड्राइव हुई कुछ भी हुई इसमें रहेगा, अगर हमने कोई डाटा डाल दिया तो इसमें अगर कंप्यूटर ऑफ कीजिए तो भी इसमें डाटा जो एक बार डाल दिया वो रहेगा। तो Option 3 राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। SMTP, FTP, DNS आर एप्लीकेशंस ऑफ, मतलब जैसे आप देखेंगे तो इसमें मॉडल होते हैं OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। उसमें एक जगह हार्डवेयर होता है उसके ऊपर, मतलब एप्लीकेशन लेयर होती है, मतलब ये पूरा उसका एक नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर मतलब एप्लीकेशन लेयर होती है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये कौन सी लेयर के अंदर आते हैं, तो ये देखेंगे तो आप मेन आते हैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर, क्योंकि आप देखेंगे तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब फाइल एक मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस तरह ट्रांसफर होगी, उसके क्या प्रोटोकॉल है, क्या नियम है, इन सब की बात कर रहा है। तो ये कौन सी एप्लीकेशन में आते हैं, ये एप्लीकेशन लेयर में आते हैं। तो Option 4 तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर का कॉमन फीचर नहीं है मतलब आप देखेंगे तो मीनूज उसमें होता है, हेल्प भी होता है, सर्च भी होता है, और इसमें देखेंगे तो विंडोज नहीं होता उसमें सॉफ्टवेयर में। तो Option 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। तो एक बार मैंने एब्रीवेशंस बताए थे, उसमें सारी एब्रीवेशंस बताए थे आपको A से लेके Z तक। तो इसमें MICR का आपको बताना है, तो C किसके लिए स्टैंड करता है, C की फुल फॉर्म क्या होगी, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, तो C का मतलब कैरेक्टर। Option 4 तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। A-Computer इज ए लार्ज एक्सटेंसिव एंड कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर 100, मतलब एक कंप्यूटर बहुत सारे हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स यूजर्स का डाटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है और उन यूजर्स को काम करने की सहूलियत प्रदान करता है। तो ये ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है, और बहुत बड़ा होता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो इसमें आप देखेंगे मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं, इसमें एक साथ बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। द ट्रेंड इन द कंप्यूटर सिस्टम इज टूवर्ड्स द यूज़ ऑफ ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन दीज ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक बॉल इज डिस्क्राइब। आप देखेंगे तो पहले जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आए थे उनको कोड के हिसाब से, मतलब हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती थी, उस लैंग्वेज के हिसाब से कमांड देते थे, उस कमांड के हिसाब से वो हमें आउटपुट देते थे, उस हिसाब से कंप्यूटर चलते थे। बट आजकल जो कंप्यूटर देखेंगे तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब हम माउस से क्लिक करते हैं और उसके हिसाब से वो हमारे जो काम करके देता है, जिस पे क्लिक किया डबल क्लिक किया ओपन कर देता है, मतलब राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर देते हैं, कुछ भी इस तरह से होता है। तो ये सारा उसने
मतलब अभी आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ रहा है, तो अब इसने पूछा है कि ये जो ट्रैक बॉल का जो डिस्क्राइब करते हैं ये क्या होता है। ये आप देखेंगे तो पिछले पुराने जो माउस होते थे वो ट्रैक बॉल के साथ आते थे, जैसे इधर उधर मूव करती थी होती थी बॉल, वैसे ही आपका कर्सर भी मूव होने लगता था। तो ये इसको माउस का पूछा गया, इसका आंसर माउस होगा, बट आप देखेंगे इसको कितना घुमा के उन्होंने पूछा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए रोलर बॉल विथ मूव द कर्सर, इसमें माउस होगा अगर माउस भी आपके ऑप्शन में दिया है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर द डैश फोल्डर रिटेन कॉपी ऑफ ए मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड, बट मतलब एक आपने कोई टाइप करना चालू किया, जैसे कोई ईमेल ही आप देख लीजिए, ईमेल टाइप करना आपने चालू किया और आपने मतलब कुछ टाइप किया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, चाहे आप उसको सेंड कीजिए या नहीं मत कीजिए, तो एक तरह से उसकी कॉपी उस किस में सेव हो जाती है, ड्राफ्ट में। तो ये यही पूछ रहा है कि मतलब एक फोल्डर हमेशा कॉपी ऑफ मैसेज हमेशा अपने पास स्टोर रखता है रेडी टू सेंड, कभी भी उसको सेंड करने के लिए, तो वो ड्राफ्ट में सेव होती है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 11 की साइड, द एबिलिटी ऑफ एन ओएस टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम, मतलब एक ही टाइम पे हम कंप्यूटर में दो तीन एप्लीकेशंस खोल सकें, काम कर सकें, तो उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे बहुत सारे काम हम कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डाटा, मतलब जिसमें नंबर नहीं हो, ऐसा कौन सा डाटा है। आप देखेंगे तो एग्ज़ाम के स्कोर हैं, उसमें आपके मार्क्स है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है न्यूमेरिकल डाटा है, बैलेंस में भी होगा, और आप देखेंगे तो एम्प्लॉय एड्रेस है इसमें भी होगा, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज होगा, मतलब इन सभी में होगा, तो मतलब इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। नॉन न्यूमेरिकल मतलब जिसमें नंबर नहीं आए, वो बताना था हमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साइड, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर, मतलब जैसे कंप्यूटर हम खोलते हैं मतलब ओपन करते हैं तो उसमें कुछ एक कोड मांगता है, तो उस कोड को क्या कहते हैं। अब जैसे इसका सिंपल आंसर है पासवर्ड, बट आप इसको देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछता है हमसे, कोडेड एंट्री विच इज़ यूज टू गेन एक्सेस ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, मतलब हम कौन सा ऐसा कोड एंटर करें जिससे हमारा कंप्यूटर खुल जाए, तो पासवर्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, टू मूव द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 20-30 पेजों का है, तो उसमें हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें लास्ट के बॉटम में जाना है, तो हम कौन सी मतलब कमांड यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल की प्लस एंड, इसको जैसे ही दबाएंगे वो मतलब कर्सर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं सीधे एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, क्वेश्चन नंबर 15, ए डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, मतलब एक जो मदरबोर्ड सीपीयू में मदरबोर्ड होता है उसके अंदर सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो ये सारे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं एक तरह से, तो इसमें कहते हैं ए कॉल्ड ए प्रीफेरल डिवाइसेस, मतलब ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये प्रीफेरल डिवाइसेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की साइड, एन एरर इज ऑल्सो नॉन एज, मतलब कोई कंप्यूटर में एरर आ जाए या कोई सॉफ्टवेयर में, इसमें मेनली एरर की बात करें और ऑप्शन देखेंगे तो आप मेनली सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, कि सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कोई वेबसाइट में एरर है या किसी सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं बग, कि मतलब उसमें कुछ बग है, कुछ कमी है जिसकी मतलब उसको और सुधारा जा सकता है या फिर उसको हैकर्स उसकी वजह से कुछ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, क्वेश्चन नंबर 17, वॉट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कीबोर्ड, कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है, आपको पता है इनपुट टाइप का डिवाइस है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेशन आ जाता है आपके दिमाग में आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब डिवीजन, तो आप ये देखेंगे कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर 4th है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये ऑप्शन 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो लॉजिकल में देखेंगे तो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू ये सारे उसमें और लॉजिकल ऑपरेशंस में आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के काम आता है, तो पूरा कंप्यूटर में आप देखेंगे कीबोर्ड में आप इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते, मॉनिटर में भी नहीं कर सकते, प्रिंटर में भी नहीं कर सकते, तो एक डिस्क ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क भी जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम पूरा स्टोर कर सकते हैं जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो अब ये अब आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग में आप देखें तो डिफ़ॉल्ट मास्क एड्रेस ऑफ क्लास ए, अब जैसे जैसे देखेंगे तो आईपी एड्रेस दिए होते हैं जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में उससे ऊपर, तो ये किन की क्लास होती है, क्लास ए क्लास बी क्लास सी इस तरह से होती है, तो इसमें पूछा है क्लास ए में डिफ़ॉल्ट मास्क एड्रेस कौन सा होगा, तो इसमें ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको मतलब याद रखना है, इसके डेप्थ में नहीं जाना, सिंपली अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो क्या मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चन इसमें डाले हैं, तो एक आधे क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल के मिल सकते हैं, तो आपको उनको सीधा मतलब याद रखना है क्योंकि उनको डेप्थ में समझ नहीं जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 255.0। और आप देखेंगे आईपी एड्रेस में मतलब ये 4 डिजिट मतलब आप देखेंगे तो डॉट के बाद में एक तरह से 4 डिजिट्स होती हैं, तो इस तरह से हमेशा सभी आईपी एड्रेस इस तरह से लिखे जाते हैं, तो डॉट डॉट लगा के,
तो ये आईपी एड्रेस हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ भी मतलब सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी सबसे पहले अपडेट होती है हम फेसबुक और टेलीग्राम पे करते हैं, तो फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पर मिलेगी। कुछ नई इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ नया नोटिफिकेशन आता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम वहीं पर प्रोवाइड करते हैं। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।